हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं कोरल ड्रा एक्स 8 और हम लोगों का चल रहा है बेसिक सीरीज। और पिछले कुछ वीडियो से लगातार हम लोग बात कर रहे हैं मेनूज के बारे में, और आज की इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं ऑब्जेक्ट मेनू के अंदर मौजूद शेपिंग ऑप्शन के बारे में। दोस्तों बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, जब भी हम कोई किसी भी प्रकार का रेक्टेंगल्स वगैरह का शेप हम बदलना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है इस शेपिंग ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं इनका बहुत ही ज्यादा हम यूज करते हैं। तो इसे प्रॉपर तरीके समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोरल ड्रा पे और देखते हैं ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों ये रहा कोरल ड्रा एक्स 8, और यहां पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मेनू के अंदर मौजूद यहां पर शेपिंग ऑप्शन। तो शेपिंग ऑप्शन में भी एक्चुअली कोई भी ऑप्शन जो है ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। रीजन उसका ये है कि कोई भी शेप अभी कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इस फाइल के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट एक ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो है हम इसे समझते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम एक दो ऑब्जेक्ट लेते हैं इस तरीके से, और देखते हैं इन सभी ऑप्शन के बीच में जो है क्या क्या एक्शंस होते हैं। तो जितने भी शेपिंग ऑप्शन है उन्हें हमें समझने के लिए हम दोनों ही ऑब्जेक्ट को एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, तभी जाकर के जितने भी शेपिंग ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो वर्क करेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही वो वर्क करता है, वो एक्शन करता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए हमने ये दो ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉ किए हैं, और इसके बीच हमें उन्हें समझना है। तो इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को जब हम सेलेक्ट करेंगे एक साथ, तो हम इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक को क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन को प्रेस रखते हुए हम दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो यहां पर एक्चुअली ऑब्जेक्ट के अंदर शेपिंग ऑप्शन के अंदर जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं वो सारे के सारे ऑप्शन आपको जब भी आप दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो सारे के सारे ऑप्शन आपको यहां पर भी मिल जाते हैं। तो डायरेक्टरी जनरली जब भी हम यूज करते हैं तो हम वहां ऑब्जेक्ट में जाकर के यूज नहीं करते हैं, हम यहीं पर इसे यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर यूज करना हमें आसान होता है। तो आप यहां से भी यूज करेंगे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट से समझते हैं, क्योंकि एक्चुअली वहां का ये सारे के सारे यानी कि ऑब्जेक्ट मेनू के सारे ऑप्शन ये हैं। तो जैसे ही हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, तो वन बाई वन करके हम समझते हैं कि बेसिकली इनका क्या यूज है और क्या क्या एक्शन होते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट मेनू पर जाते हैं, और सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है वेल्ड ऑप्शन। तो जब आप वेल्ड पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं दोनों ही आपस में इस तरीके से मर्ज होकर के वेल्ड हो गए हैं, और इस तरीके से दोनों ही आपस में मिल गए हैं। तो उसके बाद जो है जब भी हम इनमें से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये टोटल दोनों ही सेलेक्ट होंगे, और कोई भी कलर करेंगे तो इस तरीके से दोनों ही मर्ज होकर के सेलेक्ट होंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है हम इस वेल्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल जेड करते हैं और दोबारा हम बैक आते हैं। तो एक्चुअली इस तरीके का हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम सीढ़ियां वगैरह बनाते हैं इस तरीके का इस तरह। तो जब हम आगे एडवांस में चलेंगे तो हम समझेंगे कि इन सभी का कितना ज्यादा हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो उसके बाद जो है हम इन दोनों को दोबारा से सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा चलते हैं और देखते हैं शेपिंग ऑप्शन के अंदर क्या ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद ट्रिम है, ट्रिम पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ट्रिम करेगा, आप ये देख सकते हैं। और जब आप एक ऑब्जेक्ट को जब हटाएंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यानी कि जो फ्रंट पे होगा वो ट्रिम कर देगा सेकंड वाले को इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है हम इस ट्रिम ऑप्शन का यूज करेंगे, यानी कि इसका जब हमें जरूरत पड़ती है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमें इसको ट्रिम करना है, तो इस तरीके से हमने ये लिया और उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहां से भी कर सकते हैं, इस तरीके से हमने ये लिया और ये जो है इस ऑब्जेक्ट को यानी कि जो हमने पहले लिया था उसको इसने ट्रिम कर दिया। यहां से हम हटाएंगे तो आप ये देख सकते हैं ये ट्रिम हो गया। तो इस ऑप्शन का हम बार बार यूज करते हैं, और ये इसी तरीके से नहीं, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हम ट्रिम करना चाहते हैं इस तरीके से, इस तरीके से मान लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट बटन के साथ और यहां से हम ट्रिम कर देते हैं, उसके बाद इसको हम हटाएंगे तो इस तरीके से इसे बंद करके आ जाएगा। तो इस तरीके से तरह तरह का जो है हमें बहुत ही ज्यादा जगह जरूरत पड़ती रहती है। मान लीजिए इसको भी हम ट्रिम करना चाहते हैं, इस तरीके से हमने इसको लिया इस तरीके से, मान लीजिए मून वगैरह हमें डिजाइन करना है इस तरीके से, और फिर हम जो है दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से ट्रिम कर देते हैं, उसके बाद हम इसको हटाएंगे तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिम ऑप्शन का बहुत ही ज्यादा यूज होता है जब हम आगे चल करके एडवांस में जब डिजाइनिंग करेंगे तो हम समझेंगे कि इसका कितनी जगह यूज है। कंट्रोल जेड हमने किया, कंट्रोल प्लस जेड जेड करते चले गए, वापिस हम पिछले वाली कंडीशन के अंदर आ गए। उसके बाद दोबारा से जो है हम इसको सेलेक्ट करते हैं और अगला ऑप्शन को देखते हैं। दोबारा ऑब्जेक्ट मेनू के अंदर
और दोबारा जो है शेपिंग में जाने के बाद उसके बाद जो है ये है इंटरसेक्ट। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे कि जो भी जो कट कर रहा है वो पॉइंट अलग निकाल देता है। जैसे आप ये देख सकते हैं इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं तो ये पॉइंट अलग हो गया। और इसको जो है हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ से इस तरीके से हम एलिप्स भी हमने ड्रॉ किया और इस तरीके से हमने लिया, और उसके बाद जो है अगर हम इसको भी इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं तो ये बीच का पॉइंट जो है बिल्कुल भी निकाल देगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का भी हम यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। हम कंट्रोल जेड करते हैं, वापस दोबारा कंडीशन में, पिछली वाली कंडीशन में चलते हैं और इसे अगला ऑप्शन को समझते हैं। दोबारा ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, शेपिंग में जाने के बाद जो उसके बाद है वो है सिंप्लीफाई। जब हम सिंप्लीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये भी बिल्कुल भी उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से हमने लोगों ने देखा था यहाँ पर ट्रिम ऑप्शन को, तो ये भी लगभग लगभग जो है इसी तरीके से ये काम करता है इस तरीके से। और दोबारा मान लीजिए हम इसके अंदर भी हम इस तरीके से करना चाहते हैं और दोबारा भी हम सिंप्लीफाई पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका भी यूज कर पाते हैं। और क्या डिफरेंसेस है इसके अंदर वो जब हम आगे एडवांस में चलेंगे तो समझेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस आए। और उसके बाद जो ऑप्शन है वो है यहां से फ्रंट माइनस बैक, यानी कि जो फ्रंट होगा वो माइनस करेगा बैक को। आप इस तरीके से देख सकते हैं ये जो है इसको माइनस कर दिया। जैसे मान लीजिए उसके बाद जो है हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं और उसके बाद दोबारा से अगर हम सेलेक्ट करते हैं और उसके अगला जो ऑप्शन है वो है बैक माइनस फ्रंट, इस तरीके से करेंगे तो इस वाले को माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हम इन दोनों ऑप्शन का यूज करते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हम देखते हैं क्या ऑप्शन है, उसके बाद जो है वो है बाउंड्री। मान लीजिए ये हमने शेप लिया हुआ है कोई भी शेप, इसके अंदर मान लीजिए एक और हम शेप कुछ भी ले लेते हैं, यहां से हमने इस तरीके का कर दिया और उसके बाद इन सभी ऑप्शंस को, ये नहीं चाहिए हमें, हमें सेलेक्ट करना था, इस तरीके से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो है हम ये ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री पर हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जो है इसके बाद जब आप इसको क्लिक करके आप हटाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल ये बाहरी बाहरी एरिया को पकड़ करके ये जो है बाउंड्री बनाया है, बीच के किसी भी पॉइंट को नहीं पकड़ा है। तो इस तरीके का कोई भी शेप बना रखे हैं आप और आप चाहते हैं कि बीच का कोई भी क्रॉसिंग्स वगैरह है वो ना कटे, सिर्फ बाहरी बाहरी बाउंड्री आ जाए, तो इस तरीके से इस ऑप्शन का हम जो है इस्तेमाल करते हैं। और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है जब हम आगे चल करके ऑप्शंस को समझेंगे आगे एडवांस में, जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे एडवांस के अंदर तो इन सभी ऑप्शंस को हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो इसे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान देकर के आप समझेंगे, क्योंकि शेप टूल सेलेक्ट हो गया था, हम इसको डिलीट करते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे शेपिंग के अंदर मौजूद ऑप्शंस जिनका हम आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। जब हम आगे चल करके आर्किटेक्ट वगैरह डिज़ाइन करेंगे, फुल फ्लावर्स वगैरह बनाएंगे तो इसका बहुत ही बेहतर तरीके से यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन अभी चूंकि हमें बेसिक समझना है ताकि आगे चल करके जब हम इस ऑप्शन को यूज़ करें तो आप लोगों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि जब आप बेसिक समझे रहेंगे तो आगे एडवांस में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर नहीं समझ में आएगा आज के डेट में तो आगे चल करके जब हम एडवांस में बात करेंगे तो उस वक्त हम इस ऑप्शन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम आगे डिजाइनिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो आप वहां पर कंफ्यूज होंगे और दोबारा आकर के आपको यह वीडियो देखनी होगी, और पहले से अगर आप सीखते हुए चलेंगे तो आगे जाकर के बहुत ही मजा आने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि शेपिंग के सारे ऑप्शन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।